देखिए, अपने ज़िला यमुनानगर से हमने जो है अपने प्रशासनिक तंत्र से गांव और शहर में रिपोर्ट ली है कि कितने बच्चे या फिर कितने जो है व्यक्ति यमुनानगर ज़िले के यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अभी कल जो है आंकड़ा ये करीबन 42 लोगों का है हमारे पास, और इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है यूक्रेन में फंसे हुए जितने हमारे साथी हैं उनको वापस लाने के लिए पूरा जो है प्रयासरत है। इसके लिए जो है प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पे एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जो है 9212314595, और साथ ही साथ जिला प्रशासन यमुनानगर ने भी एक जो है नंबर चालू किया है 01732-237801, जिसपे कोई भी हमारे ज़िले का व्यक्ति यूक्रेन में अगर उनके कोई साथी रिश्तेदार कोई भी फंसा हुआ है तो उसके बारे में हमारे या इन नंबरों पे संपर्क करके सूचना ले सकता है। और अगर ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में आता है तो जिला प्रशासन यमुनानगर, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा उन लोगों की पूरी सहायता करने का प्रयास करेगा। यमुनानगर 42 आए जो बता रहे हैं आप संख्या 42, तो इनसे सर अभी क्या इनके परिवारों से इनसे बातचीत हुई है जिला प्रशासन? जी देखिए, ये जो जितने भी बच्चे अभी तक या फिर जितने भी व्यक्ति जो हमारे संज्ञान में आए हैं हमने उनके परिवार वालों से सीधा संपर्क किया है और उनको ये सूचित किया गया है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है आपके साथ है इस समस्या के लिए और इसको निपटाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। साथ ही साथ जिला प्रशासन यमुनानगर ने भी इन बच्चों को जो है हमारे प्रशासन के द्वारा टेलीफोन पे संपर्क किया गया यूक्रेन में, और हम लोग अगर ऐसी कोई भी स्थिति होती है तो आगे भी उनसे संपर्क में रहेंगे और उनका उनको हर तरह का जो है सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। यमुनानगर जिले से कितने विद्यार्थी हैं सर? देखिए, अभी जो आंकड़ा हमारे पास है वो 42 लोगों का है, जिसमें छात्र भी हैं और जो लोग काम करने वगैरह वैसे गए हैं वो सब मिला के जो है हर प्रकार के व्यक्ति मिला के 42 लोगों के आंकड़े अभी आए हैं, और ये आंकड़े अभी हो सकता है और बढ़ भी सकते हैं। तो जो नंबर मैंने बताए हैं जी, इस पर अगर कोई भी व्यक्ति हमारे ज़िला यमुनानगर का तो उसको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो लोकल व्यक्ति अगर है उनके कोई जान पहचान में वहाँ पर यूक्रेन में है तो वो इन नंबर पर संपर्क करके हमें सूचित कर सकता है। हम आगे उस व्यक्ति को यूक्रेन में उसे जो है सीधा संपर्क भी करेंगे, जिला प्रशासन संपर्क भी करेगा, और जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो उनकी मदद हो सकती है वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो या ऐसे भी नागरिक हैं जो यमुनानगर पहुँच चुके हैं वापस? देखिए, कुछ लोग जो हैं वापस तो आए हैं बट उनका जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो लोग अभी फंसे हैं उनके परिवार से संपर्क बनाया गया, हिम्मत दी गई उनको? जी देखिए, हमारे जो रेवेन्यू के अधिकारी है, कर्मचारी है, तहसीलदार हो गए, पटवारी हो गए, उन लोगों ने इन परिवारों से जो है सीधा संपर्क किया है, और जो बच्चे या फिर जो व्यक्ति यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको हमने जो हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमें उनके टेलीफोन नंबर की लिस्ट प्रोवाइड कराई थी, तो हमने अपने ज़िले से, जिला यमुनानगर से डायरेक्ट यूक्रेन में उनसे बात करी है, संपर्क किया है, और उनको जो है पूरा जो है उनकी मदद करने का उनको भरोसा दिलाया। परिवार को क्या कुछ कहना चाहिए कि वो किसी प्रकार का पैनिक ना क्रिएट करें, क्या कहना चाहेंगे? जी मेरी जो हमारे प्रेस के साथी आप लोगों के थ्रू ये अपील रहेगी कि जिला यमुनानगर के अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिनका कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी यूक्रेन में है तो कृपया करके इसमें पैनिक ना हो। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार पूरी प्रयासरत है, वो स्थिति की गंभीरता को समझती है और उसी अनुसार प्रयास किया जा रहा है, और काफ़ी जो है लोगों को वापस भी लाया गया है, तो आगे भी जो है इन लोगों को वापस लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।